बड़ी ताजा खबर सुनी हमने कि आपके ऊपर फिल्म आ रही है। उसे भी ज्यादा पता नहीं है। आपने इजाजत नहीं दी फिल्म बनाने की? एक्चुअली जो एक बहुत प्रसिद्ध प्रोड्यूसर थे मेरे पास आए थे, संजय सिंह करके, तो बहुत आग्रह कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा, मना किया। ये मेरे विद्यार्थी समय का एक साथी था, उनके इसमें उन्होंने खुद होके काम करके आधा कर दिया था। अच्छा। तब मेरे पास आए, अब उनका पैसा भी उसमें उन्होंने कुछ खर्चा किया था, तो मैंने कहा जो है आपको करना है करो, केवल एक बार मेरे दो तीन मित्रों को दिखा दो ताकि उससे और कोई गलत कंट्रोवर्सी ना हो जाए। गलत कंट्रोवर्सी से क्या डरना आपको? नहीं, डरना नहीं, जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जो पुराने रेफरेंसेस हैं वो वस्तुस्थिति के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो आपने कहा ना, लोगों ने गलत मतलब निकाला वो, आप क्योंकि आपने बोला कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो अगर क्यों लगाया आपने, लोगों ने ये पूछा। नहीं, अगर यानी इसलिए कि पार्टी कौन किसने लड़ना चाहिए इसका निर्णय अंतिमता लेती है, तो मैं आज ऐसे कैसे कहूँ कि मुझे टिकट दे दिया है पार्टी ने? पर आप मैं कोई, मेरा इसका अर्थ है मुझे टिकट मिलने वाला नहीं, ऐसा मत निकालिए। ऐसा चाहेंगे भी नहीं। देखिए, जब पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम पर ठप्पा लगाएगी तो टिकट मिलेगा, और टिकट देने का अधिकार पार्टी को है, और इसलिए मैंने इस भाषा में कहा कि अगर मुझे टिकट जब मिलेगा तो मैं ये करूँ। इसलिए लेकिन वो जो पॉलिटिशियंस को डर रहता है ना कि वोट इधर से कम ना हो जाए, वोट इधर से कम ना हो जाए, वो डर आपको नहीं है? बिल्कुल नहीं। वजह? नहीं है, मैं आपके सामने इतना साफ नहीं बोलूंगा। अच्छा। पर अगर समझो मैं मंत्री नहीं बना या MP नहीं बना, क्या मैं बाकी कुछ कर नहीं सकता? क्या यही एक है क्या? मेरा कहना यह है कि तुम काम करते रहो जब तक तुम में क्षमता है, करते रहो। तो ये बताइए, बहुत बार आपसे बात हुई, आपने कहा था कि दिल्ली से मुंबई गाड़ी में चलेंगे, वो कब होने वाला है? अभी रतलाम तक हो गया, शायद दिसंबर के पहले। इसी दिसंबर? हाँ, आप दिल्ली से मुंबई चले जाओ। दिल्ली से मुंबई, ये दिसंबर के पहले। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। हाँ, वो तो हाँ। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बंगलोर से मैसूर 1 घंटे में हो गया, 1 घंटा 10 मिनट। अब धीरे धीरे सब काम पूरे हो रहे हैं, और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। हम नया रोड बना रहे सूरत से, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, कन्याकुमारी, सब साउथ को। तो मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं, सोलापुर कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं,